नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना कंकाल फ्रॉम सह्याद्री हॉस्पिटल शास्त्री नगर पुणे। पिछले सेशन में हमने बात की थी सीजेरियन सेक्शन वर्सेस वजाइनल बर्थ या नेचुरल बर्थ के बारे में। नेचुरल बर्थ का बहुत सारे पेशेंट्स के मन में डर रहता है, डर इस चीज़ का कि इतना पेन मैं उठा पाऊँगी कि नहीं, कितना पेन होता है, किस हद तक पेन होगा। तो इसके लिए मैं सबको ये एक चीज़ बताती हूँ कि आप ये सोच लो कि आपकी माँ ने आपके लिए ये पेन उठाया है, तो आप अपने बेबी के लिए ये पेन क्यों नहीं उठा सकते हो। बट इसके साथ साथ वी आर सो फॉर्चुनेट कि आजकल हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम इस पेन को काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हैं। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है एपिड्यूरल एनेस्थेशिया का या पेनलेस डिलीवरी का। पेनलेस डिलीवरी क्या होता है? पेनलेस डिलीवरी में जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होने, इनिशियली शुरुआत से ही हर मदर को बहुत पेन नहीं रहता है, सीवियर क्रूशियल पेन नहीं रहता है, तो एक सर्टन स्टेज के बाद जब पेन बढ़ने लगता है और उसको बेयर नहीं हो रहा है, तब हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि हम आपको एक इंजेक्शन आपके बैक में दे सकते हैं जिसके थ्रू हम कुछ पेन किलर के मेडिसिन आपको दे सकते हैं, विच विल बी जस्ट इनफ टू मेक द कॉन्ट्रैक्शंस। यू विल नॉट फील द कॉन्ट्रैक्शंस बट पेन्स विल बी ऑन गोइंग। आपके कॉन्ट्रैक्शन चालू रहेंगे, आपका लेबर प्रोग्रेस होगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू फील द पेन एटलीस्ट बाय 80-90%। 10% थोड़ा सा पेन आपको फील हो सकता है जो काफ़ी टॉलरेबल होगा। दूसरा मेथड इसी तरह से जितना पेन कम कर सकते हैं और नेचुरल बर्थ अचीव कर सकते हैं, इसके लिए आजकल पाया गया है वाटर बर्थिंग। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन नाउ डेज कमिंग अप एंड अप। पानी जैसे नेचुरली आप कभी भी पानी में जाओ, स्विमिंग पूल में जाओ या समुंदर में जाओ, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके बॉडी को काफ़ी हद तक रिलैक्स करता है, और इस रिलैक्सेशन से बैक से आने वाला पेन फील होना कम होने लगता है। मैं ऐसा बिल्कुल रॉन्ग प्रॉमिस नहीं करूँगी कि बिल्कुल ही पेन नहीं फील होगा, बट दिस डेफिनेटली हेल्प्स यू टू एलिविएट द पेन एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू मेक योर लेबर प्रोग्रेस प्रॉपरली। सो वाटर बर्थिंग इज अ वेरी नाइस ऑप्शन कमिंग अप रिसेंटली टू असिस्ट यू इन द नेचुरल बर्थ्स। दूसरे ऑप्शन है नेचुरल बर्थ के इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में जैसे आपने थ्री इडियट्स में देखा होगा, पंप लगा के एंड में बेबी का हेड डिलीवर करते हैं। It can be given as a good assistance if the baby's heart rate is dropping, जैसे इसको हम fetal distress बोलते हैं, या mother बहुत थक गई है, maternal exhaustion। इस situation में vacuum delivery थोड़ा सा help out कर सकती है, but उसके साथ साथ थोड़ा सा injury to the fetus या mother's vagina is known in this method। So हम जितना उसका कम use करें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। Forceps delivery also is similar to this and instrumental delivery कम से कम यूज़ होना चाहिए, इसी पे हमारा ध्यान होना चाहिए। सो एपिड्यूरल या पेनलेस एनेस्थेशिया एंड वाटर बर्थिंग, दीज आर टू बेस्ट ऑप्शंस फॉर अचीविंग क्वाइट पेनलेस नेचुरल बर्थ। सीजेरियन सेक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे इलेक्टिव सीजेरियन एंड एन इमरजेंसी सीजेरियन। इलेक्टिव सीजेरियन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि मदर का नेचुरल बर्थ पॉसिबल ही नहीं है या उसको ट्रायल तक देना मना है। ऐसी सिचुएशन तब होती है जब प्लासेंटा नीचे रहता है यूट्रस के ओपनिंग के पास, उसको प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, या बेबी का हेड ऊपर है और बेबी बॉटम्स डाउन करके बैठा हुआ है, मतलब उसके लेग्स या बॉटम्स डाउनवर्ड्स है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वीमेन बिल्कुल ही नहीं देते। सो इसमें हम इलेक्टिव सी सेक्शन प्रेफर करते हैं। और इमरजेंसी सीजेरियन का डिसीजन तब लिया जाता है कि कोई मदर पेन अच्छे से ले रही है, उसका प्रोग्रेस भी हो रहा है, लेकिन एक सर्टन स्टेज के बाद उसका लेबर अरेस्ट हो जाता है, या बेबी का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बेबी ने अंदर पॉटी कर दिया है, या बेबी का हार्ट रेट ड्रॉप होने लगता है, ऐसी सिचुएशन में हमें इमरजेंसी सीजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे हुए दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।